रहे हैं, दोज़ आर लेट, इट्स देयर फॉल्ट। ठीक है, स्टार्ट करते टॉपिक। ठीक है, टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। पूरा मारने ठीक है, तो आज पहला टॉपिक स्टार्ट करते ये रहेगा सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास वी विल डिस्कस टुडे। ठीक है, सेंटर ऑफ मास डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है, कैसे होता है। देखो, सेंटर ऑफ मास को ना मैं तो इन शॉर्ट इसको सीएम लिखूंगा। सीएम सीएम लिखने का मतलब सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। सेंटर ऑफ मास क्या होता है एक्चुअली में? सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट होती है, ओके और ये पॉइंट हर एक बॉडी के अंदर होती है, इन द बॉडी। सेंटर ऑफ मास है ना जो बेटा, वो कोई मास नहीं होता है। जैसे इसका नाम क्या है, सेंटर ऑफ मास, तो ये कोई मास नहीं है, ये क्या है एक्चुअली में, पॉइंट है। अब आप बोलेंगे ये कौन सी पॉइंट है, इसकी क्या स्पेशलिटी है, वो मैं समझा देता हूँ। सी सपोज ये कोई कोई भी शेप की बॉडी है, ठीक है, एक्सटेंडेड बॉडी होनी चाहिए, एक्सटेंडेड ये बॉडी है। ठीक है, इसमें इस बॉडी को अगर तुम ऐसे इसको थ्रो कर दोगे, लेट्स से हमने इसको थ्रो कर दिया, बॉडी ऐसे जा रही है, जा सकती है ना। तो इसमें देखा जाता है कि जब ये जाती है ऐसे, हमने इसको थ्रो किया, तो जरूरी नहीं है वो एकदम सीधा सीधा जाएगी, जाने के टाइम पे वो ऐसे घूम भी सकती है, ऐसे हो कि जा सकती है घूमते हुए ऐसे, मतलब ये देखो एग्जाम्पल दो, ऐसे मतलब यस कुछ लोगों को लगेगा नहीं सर ऐसे कैसे होगा, ऐसे तो नहीं होता है, सब क्या है ये। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ इसका, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट मुझे लेना है ना, इसका अब एग्जांपल है हैमर। सपोज ये एक हैमर लिया, देखो एक हैमर है, ये हैमर है, हथौड़ी, हैमर, हैमर को हवा में फेंको ऐसे प्रोजेक्टाइल के जैसे, तो इमेजिन करो हैमर फेंका तो कैसे जाएगा हैमर, ऐसा हो सकता है देखो ऐसे। ऐसे जाएगा कि आपको लगता है हमारे यस सीधा ही जाएगा? आई यस थिंक ऐसे ही जाएगा ना, रोलिंग होते हुए जाएगा, यस रोल भी होगा। यस यस ये हमने नहीं किया, ये देखो अपने आप होता है। चलो ये भी हैमर का भी एग्जांपल साइड में रखते हैं, कोई दूसरा एग्जांपल दे देता हूँ। सबसे सिंपल एग्जांपल है आपका, ये जो पेन है ना, तुम खुद भी घर पे कर सकते हो। ये जो पेन है ना, इसको एक डाइनिंग टेबल पे रख दो, नॉर्मल कोई भी टेबल पे रखो और पेन को धक्का मारो, पेन सीधी सीधी नहीं जाएगी। देखो मैं भी ये मैं टेबल ही है करके दिखाता हूँ सबको, ये पेन और टेबल दिख रहा यस यस है? ठीक, अभी देखो मुझे क्या करना है, मुझे पेन को सीधा चलाने का है, आई वॉन्ट टू मूव इट फॉरवर्ड। मैं क्या करूंगा, मैं इस पर फोर्स लगाऊंगा, ये देखो मैंने फोर्स लगाया, देखा क्या पेन कैसे गई, ये देखो। यस 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 तो ये घूमते हुए जाती है। अब आप बोलेंगे सर उसमें क्या हो गया, ये तो कॉमन बात है, ऐसा होता है घूमते हुए जाती है, उसमें बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि अगर मैंने सपोज इस हैमर पे मैंने फोर्स लगाया, सपोज मैंने फोर्स ऐसा लगाया हैमर पे, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, मैं अभी एक प्रॉपर डायग्राम बना लेता हूँ टू मेक इट मोर क्लियर। ठीक, देखो सपोज ये हैमर है, इसको आपने टेबल में रखा और टेबल में रखने के बाद इसको ऐसे फोर्स लगा दिया, तो ये कभी 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 भी आप देखो सीधा नहीं जाएगा, ये ऐसे जाएगा। पेन के साथ भी यही हुआ था, तो अभी डाउट ये कि ये ऐसा क्यों जा रहा है, मतलब व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, इसमें क्या हम लोग सीख सकते हैं। देखो अगर मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया, सपोज ये जो फोर्स है ना, फोर्स इज एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस, फोर्स जो एक्स एक्सिस की तरफ लग रहा है, तो हैमर को कहाँ जाना चाहिए, एक्स एक्सिस की तरफ ही जाना चाहिए। लेकिन ये सीधा सीधा नहीं जाता है, इसकी अलग अलग जो पॉइंट्स हैं इस हैमर के, वो अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं। सपोज यहाँ पर कोई पॉइंट है, वो ऐसे गया, इधर इधर आ गई, उसके बाद ये घूमते हुए इधर आ गया, फिर ये पॉइंट इधर आ गई। तो देखो ये दिस इज पाथ फॉलोड बाय वन पॉइंट। अभी हैमर का ये पॉइंट ले लो, वो सब ऐसे जाएगा, ये इधर आ गया, अब इधर के बाद वो इधर आ गया और इसके बाद वो इधर आ गया। तो आप देखोगे कि हर एक पॉइंट जो है ना हैमर की, वो अलग अलग शेप के पाथ में घूमेगी, ऐसा कुछ एक पर्टिकुलर शेप नहीं होगा, अलग अलग पाथ में घूमेगी। तो इज इट एवरी पार्टिकल इज रिवॉल्विंग इन अ डिफरेंट डायरेक्शन ना, तो सबको पहले तो एक स्टूडेंट को एक ऑब्वियस डाउट आता है कि ये अलग अलग पाथ में क्यों जा रहे हैं, मतलब व्हाई डोंट दिस पार्टिकल गोज इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट क्यों नहीं जा रहे हैं, टेढ़े मेढ़े क्यों जा रहे हैं। उसका रीजन एक्चुअली में अपने बुक्स में ढूंढोगे मिलेगा नहीं, नहीं मिलता है यूजली बुक्स में, कुछ लिखा नहीं होता है इसके बारे में। तो
लेकिन जब मैंने ये सोचा था तो मैंने कुछ सोच सोच के समझ समझ के और टीचर से पूछ पूछ के इसका रीजन फाइंड आउट किया। रीजन ये है कि अगर जब तुम इस बॉडी पे ये फोर्स एफ लगा रहे हो ना, तो ये फोर्स तुम सीधा इस पॉइंट पे नहीं लगा रहे हो, बराबर। इस पॉइंट पे तो कोई फोर्स नहीं लगाया, इस पॉइंट पे फोर्स पता है कौन लगाएगा? इसकी जो नेबरिंग मॉलिक्यूल्स है ना वो लगाएंगे, जो इस पॉइंट के आसपास नेबरिंग मॉलिक्यूल है वो इसके ऊपर, वो इसको पुश कर सकते हैं, अपने साथ खींच सकते हैं। तो आसपास जो मॉलिक्यूल है ना उनके फोर्स की वजह से ये ऐसा घूमता है, ठीक है। अब हर एक मॉलिक्यूल जो होता है जब आप उसको पुश करते हो तो इसके आसपास जो दूसरे मॉलिक्यूल हैं वो इसको अपने साथ लेके जाते हैं बाय एग्जर्टिंग फोर्स ऑन दैट। इसी चक्कर में अलग अलग पाथ बनते हैं। अब आप ध्यान से देखोगे तो हर एक पॉइंट का पाथ अलग अलग है। इज इट वेरी सिंपल टू स्टडी दिस मोशन और यू फील इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड? कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स है ये पूरा। हर एक पार्टिकल अलग अलग डायरेक्शन में मूव करता है, एवरी पार्टिकल रिवॉल्व्स इन अ डिफरेंट वे। उसका रीजन ये है कि उसके आसपास के जो मॉलिक्यूल है वो उसको अपने साथ खींच के लेके जाते हैं। हर एक का पाथ ऐसे टेढ़ा मेढ़ा होता है। लेकिन सर एक बार फिर से रिपीट करो। देखो जो भी मॉलिक्यूल है, जो भी पार्टिकल आपने इधर लिया ना, सब इधर एक पार्टिकल लिया या इधर ले लो, डू यू फील ये पार्टिकल ऐसे आइसोलेटेड है क्या कि इट इज सराउंडेड बाय अदर पार्टिकल्स? सराउंडेड बाय अदर पार्टिकल्स। अदर पार्टिकल्स इसके ऊपर फोर्स एग्जर्ट करते हैं, ठीक है। वो अदर पार्टिकल्स इसको पुश करते हैं अपने साथ, या कभी कभी पुल भी कर सकते हैं। तो जो आसपास के पार्टिकल्स है ना उनके फोर्सेस की वजह से आसपास के पार्टिकल इसको पुश करेंगे या आसपास के जो पार्टिकल है इसको पुल करेंगे, उस वजह से इसका जो पाथ है वो अलग अलग बनता है हर एक मॉलिक्यूल का। यस, इतना ध्यान में रखो, ये कोई पूछेगा नहीं और बुक्स में भी नहीं मिलेगा, मैंने ऐसे एक्स्ट्रा बता दिया। तो इज इट वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी द मोशन ऑफ दिस एक्सटेंडेड बॉडी ना? लेकिन अभी ध्यान से देखना, अभी मैं सेंटर ऑफ मास चालू कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप इस जो मैंने अभी बताया हैमर को आपने फोर्स मारा और हैमर ऐसे जा रहे हैं, अगर इसको आप लेबोरेटरी में अच्छे से स्टडी करोगे ना, प्रॉपरली ऐसा ऑब्जर्वेशन करो, तो आपको एक चीज दिखेगी कि ये जो अलग अलग पार्टिकल्स हैं, मैंने बोला ये जो अलग अलग पार्टिकल्स हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में मूव करते हैं, अलग अलग पाथ पे मूव करते हैं, लेकिन इस पूरी बॉडी में एक ऐसी पॉइंट होती है, सपोज ये एक पॉइंट है, एक ऐसी पॉइंट होती है जो कभी भी ऐसे टेढ़ा मेढ़ा पाथ फॉलो नहीं करती है, सीधा सीधा चलती है। सपोज ये एक पॉइंट है, थोड़ी देर के बाद हैमर इधर पहुंचा तो ये सी पॉइंट यहां पर होगी हैमर में, फिर इधर होगी सी पॉइंट, बराबर, और यहां पे सी पॉइंट इधर होगी। देख लो ये मैंने अलग अलग पोजिशन में सी पॉइंट को ड्रॉ किया है। अगर तुम सच में इस सी पॉइंट को ऑब्जर्व करोगे ना कि जब हैमर चल रहा है तो ये सी पॉइंट कैसे मूव हो रहा है, तो सी पॉइंट ऐसे मूव होता हुआ दिखेगा आपको ऐसा, ऐसे ही सच में मूव होता होगा। कभी भी आप ऐसे नहीं देखोगे कि जो सी पॉइंट है वो ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है या टेढ़ा मेढ़ा घूम रहा है। हाँ, फिक्स्ड पॉइंट है क्या? नहीं नहीं, पॉइंट फिक्स्ड नहीं है, पूरा हैमर ही आगे जा रहा है तो हैमर के साथ वो पॉइंट भी आगे जाएगा, पॉइंट फिक्स नहीं है। लेकिन उस पॉइंट का जो ये जो सी पॉइंट है इसका मोशन अगर आप सच में देखोगे लेबोरेटरी में, सब आपने ये सच में किया और देखोगे, तो आप देखोगे इसमें ये जो सेंट सी है ये कभी भी ऐसे टेढ़ा मेढ़ा मतलब ऊपर नीचे हो रहा है, रोल हो रहा है, ऐसा नहीं। आपको लगेगा ये सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा, ठीक है। सी का जो मोशन है वो सबसे सिंपल रहेगा और वो ऐसी एक ही पॉइंट रहेगी, इसके बारे में और बताऊंगा, लेकिन ये जो सी पॉइंट है इसका स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन, स्ट्रेट ट्रेवल करता है। थोड़ा ध्यान में रखो इस चीज को, समझा अभी जो बोला मैंने? हाँ, अब देखो, अब आप बोलेंगे सर ये ऐसा सीधा सीधा ट्रेवल कर रहा है ऐसे कैसे? देखो मैं समझा देता हूँ, सी का मोशन थोड़ा स्टडी करते हैं अभी। सपोज आपने ऐसा फोर्स लगाया, ठीक है। अब देखो ऐसे फोर्स लगाने से हर एक पार्टिकल अलग अलग पाथ में ट्रेवल कर रहा था, ये देखो ऐसे इधर, लेकिन सी मैंने क्या बताया, सीधा सीधा ट्रेवल करता है। सी कैसे ट्रेवल करता है मैं समझा देता हूँ। ये जो सी पॉइंट है ना वो ऐसे बिहेव करती है, सी का बिहेवियर बता रहा हूँ, सी ऐसे बिहेव करता है कि जैसे ये पूरे हैमर का मास अगर हम लोग सी पे कॉन्सेंट्रेट कर दें, ऐसे अज्यूम करो कि सपोज पूरा हैमर का जो मास है वो सी पॉइंट पे आ गया, मतलब हैमर कन्वर्ट होके पॉइंट मास बन गया। सपोज हैमर पूरा कन्वर्ट होके एक पॉइंट मास बन गया, कहाँ पे पूरा मास कॉन्सेंट्रेट हो गया? सी पर, ओके। और हैमर पे तुमने फोर्स कितना लगाया? एफ लगाया। सपोज वो फोर्स मैं इस पे लगा दूं फिर इस एम पे, इस मास पे, तो एक बार बताओ अगर ऐसा हो गया, ये क्या दिख रहा है? ये पॉइंट ऑब्जेक्ट दिख रहा है ना? Yes. इस पे आपने ये फोर्स लगाया तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट पे जब फोर्स आओगे ना वो पॉइंट ऑब्जेक्ट कैसे मूव करेगा? ऐसे मूव करेगा।
ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट थोड़ी है, ये तो पॉइंट ऑब्जेक्ट है। पॉइंट पे फोर्स लगाओगे तो पॉइंट सीधा सीधा चलेगी ऐसे। तो जैसे ही ये पॉइंट ऑब्जेक्ट मूव करेगा ना, वैसा सी सच में मूव करता है। सी सच में ऐसा मूव करता है जैसे कि पूरा का पूरा मास ऑफ द हैमर उस पर कॉन्सेंट्रेटेड है, और आपने जो फोर्स लगाया हैमर पे, अगर वो सी पे लगा दिया तो वो कैसे मूव करता? एक्चुअली में भी वो वैसे ही मूव करता है। सी पॉइंट मतलब सी एक स्पेशल पॉइंट है सी, जिसपे हम लोग पूरी हैमर का जो मास है वो ऐसे अज्यूम कर सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेटेड है। कॉन्सेंट्रेट होने के बाद वो कैसे मूव करता? वैसे सच में ये सी मूव करता है। रियली सी मूव्स इन दैट वे ओनली। तो सी ऐसे बिहेव करता है एज इफ पूरे बॉडी का जो मास है वो सी पे कॉन्सेंट्रेटेड है। तो फिर वो ऐसे कैसे मूव करता? वैसे वो सच में मूव करता है। सी एक स्पेशल पॉइंट है जो एकदम स्ट्रेट लाइन में चलती है। सी पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। This point is only called as center of mass. ठीक है, जी और भी चीजें बताऊंगा इसके बारे में, बट सिंपल याद रखो कि हर एक बॉडी में एक पॉइंट होती है जो सीधा सीधा ट्रेवल करती है, and that is called center of mass. ठीक है, देखो हैमर का मैंने एक एग्जाम्पल दिया, आपको एक और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, उसमें आपको आपने देखा होगा जरूर। ये देखो, सपोज एक टायर है, इट्स अ टायर ऑफ अ फोर व्हीलर, कार का एक टायर है, सपोज कार का या साइकिल का किसी का भी है, ये टायर है। इसका जो सेंटर है ना, सेंटर को मैं सी लिख रहा हूँ। अब इमेजिन करो कि ये जो टायर है वो रोड पे चल रहा है, टायर इज रनिंग ऑन द रोड। टायर कुछ देर बाद इधर पहुंचेगा, फिर इधर पहुंचेगा, ठीक है। टायर की जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वो ए है, और जो बॉटम पॉइंट है वो बी है, और सेंटर जो है वो सी है। अब इमेजिन करो कि ए पॉइंट को अगर आप देखोगे, ए पॉइंट को देखोगे, ऐसा लग रहा है क्या ए पॉइंट ऐसे जाएगी क्या? ऐसा नहीं, घूम के ए पॉइंट ऐसे जाएगी एक्चुअली में। नो, घूम के इमेजिन करो ऐसे जाएगी ना शायद। कुछ जैसे जैसे टायर आगे जाएगा ये ए पॉइंट नीचे आती जाएगी। तो सबसे थोड़े हाफ रोटेशन के बाद, जब इसका हाफ रोटेशन पूरा होगा, ए पॉइंट ग्राउंड पे पहुंचेगी, उसके बाद फिर से ऊपर उठना शुरू करेगी, और यहाँ पर जब ए पॉइंट वापस ऊपर आएगी इधर, तब कहने से टायर का एक रोटेशन कंप्लीट हो गया क्या? वन फुल रोटेशन। देखो इसका मोशन कॉम्प्लिकेटेड है। बी पॉइंट को देख लो, बी इधर है। अब इमेजिन करो कि टायर ऐसे घूम रहा है और ऐसे आगे भी जा रहा है ऐसे। इमेजिन करो ऐसे, पता है बी पॉइंट के साथ क्या होगा? बी पहले फिर थोड़ा सा पीछे जाएगा और फिर ऐसे ऐसे कुछ होगा, मतलब बी के साथ। सारे कोई भी आप पार्टिकल ले लो, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मोशन होता है इनका। लेकिन अगर आप सी को देखोगे, इमेजिन करो ये जो सी है वो टायर का सेंटर है, क्या आप ऐसे मान सकते हो कि सी जो है सेंटर है टायर का, वो ऐसे ऊपर नीचे होगा क्या? नो, सीधा जाएगा, सीधा जाएगा। हाँ, तो किसका मोशन सबसे सिंपल दिखेगा आपको? सी का ना, सी सी, क्योंकि सी सेंटर ऑफ मास है। एक्चुअली सेंटर ऑफ मास है टायर का, सेंटर ऑफ मास ऑफ द टायर ये सी होता है। उसका जो सेंटर है टायर का वही सेंटर ऑफ मास होता है, वो सीधा सीधा जाता है लाइक दिस। ठीक है, इसके बारे में ज्यादा 12th स्टैंडर्ड में है कि ये क्या है, रोटेशन वगैरह क्या होता है, उसमें आपको ज्यादा क्लियरिटी भी आएगी। लेकिन 11th स्टैंडर्ड में आप थोड़ा इतना ध्यान रखो कि जो सेंटर ऑफ मास है वो सीधा सीधा ट्रेवल करता है। ठीक है, सेंटर ऑफ मास का बिहेवियर कैसा होता है? सेंटर ऑफ मास ऐसे बिहेव करता है, ऐसे मूव करता है जैसे कि पूरा टायर का मास सी पर ही कॉन्सेंट्रेट हो जाए, और जो तुम फोर्स लगा रहे हो टायर के ऊपर वो सब सी पे लगा दिया, तो उस सिचुएशन में ये कैसे मूव करता? वैसे ही मूव करता है। सच में सी का बिहेवियर ऐसा होता है कि जैसे कि पूरा का पूरा टायर का मास सी पे कॉन्सेंट्रेटेड है। इस पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो समझा ये? एक खाली इतना याद रखो अपने 11th स्टैंडर्ड के लिए कि एक पॉइंट होती है जो थोड़ा स्पेशल बिहेव करती है, हर बॉडी के अंदर होती है, एंड दैट बॉडी पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ मास। ठीक है, क्लियर? यस। अब देखो, आपको एग्जाम में ये पूछ सकते हैं कि हाउ टू लोकेट द सेंटर ऑफ मास, मतलब किसी बॉडी का अगर आपको सेंटर ऑफ मास ढूंढना है तो कैसे ढूंढेंगे, लोकेट सेंटर ऑफ मास, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स जो बॉडीज होती है ना, अगर आपको कोई पहले बॉडी होनी चाहिए तभी उसका सेंटर ऑफ मास ढूंढेंगे ना। बॉडीज दो टाइप की होती है, एक होती है कंटिन्यूस बॉडीज और एक होती है डिसकंटिन्यूस बॉडीज।
कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस, ठीक है। मैं इसमें देखो एंट्रेंस भी कवर कर रहा हूँ, एंट्रेंस के लिए भी जो थोड़ा बहुत चाहिए एक्स्ट्रा चीजें वो भी मैं बता रहा हूँ उसके साथ ही, ठीक है। देखो अभी पहले इस पर डिसकंटिन्यूस बॉडीज पे, डिसकंटिन्यूस बॉडी क्या होती है, देखो अगर एक बॉडी है, इज इट एवरी बॉडी इज मेड फ्रॉम पार्टिकल्स, ना पार्टिकल्स को ज्वाइन करके बॉडी बनती है। सपोज एक बॉडी है जिसमें यहाँ पे देखो एक पार्टिकल है जिसका मास है एम वन, तो यहाँ पर एक पार्टिकल है जिसका मास है एम टू, इधर एक पार्टिकल है मास है एम थ्री एम फोर, लाइक दैट अलग अलग मासेस है, दिख रहा है। लेकिन अभी क्या है, M1 एक पहला पार्टिकल है, M1 के बाद M2 के बीच में थोड़ा गैप है, उस गैप में कोई दूसरा पार्टिकल नहीं है, लेट सपोज M1 से M2 तक गैप है। अब M2 से M3 तक जो गैप है वो अलग है, वो ज्यादा बड़ा गैप है, फिर M3 के बाद थोड़ा गैप है, फिर M4 है, मतलब कंटिन्यूएशन में पार्टिकल्स नहीं है, एक पार्टिकल है फिर गैप है फिर दूसरा पार्टिकल है फिर गैप है फिर तीसरा पार्टिकल है, देयर इज नो फिक्स्ड गैप ऑल्सो, कोई भी गैप हो सकती है, कम ज्यादा, मतलब पार्टिकल्स के बीच में गैप्स हैं, देयर इज नॉट अ कंटिन्यूटी ऑफ द पार्टिकल, तो ऐसी बॉडी को क्या बोलेंगे, डिसकंटीन्यूअस बॉडी। एक बार खत्म होने के बाद मैं आपको इसका एग्जांपल भी दूंगा कि ऐसी बॉडी हमने कहां पे देखी है वगैरह, ठीक है। तो सपोज ये डिसकंटीन्यूअस बॉडी है, अब इसका सेंटर ऑफ मास कैसे ढूंढना होता है मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे, एक वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे, और एक्स और वाई यहाँ पे मिल रहे हैं, तो ये ओरिजिन हो गया। कभी भी आपको किसी पॉइंट को लोकेट करना है, कोई पॉइंट को ढूंढना है, तो एक्स वाई एक्सिस की जरूरत पड़ती है, उसके बिना नहीं कर सकते। अभी एक्स वाई एक्सिस हमने कैसे बनाया, आप अपनी चॉइस से बना सकते हो, जहां बनाना है बनाओ, इट इज योर चॉइस टू टेक एक्स एंड वाई एक्सिस वेयर एवर यू वॉन्ट। सब मैंने अपनी चॉइस के हिसाब से इधर बना लिया और ये ओरिजिन है। अब एक बात बताओ, ये जो एम वन है आपको दिख रहा है, M1 जो है वो एक पार्टिकल है, M1 छोटा सा पार्टिकल है, तो वो X और Y एक्सिस के बीच में आ गया है M1, तो M1 के कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे ना, मतलब yes। तो सपोज M1 के कोऑर्डिनेट्स ऐसे हैं X1 Y1, अगर 3D में बात करूं, अगर सपोज ये 3D स्पेस में है ये, तो Z कोऑर्डिनेट भी होता है Z1 Y1 और Z1। सिमिलरली M2 देखो, M2 भी एक छोटा सा पार्टिकल है, लाइक अ पॉइंट, M2 भी एक पॉइंट की जैसा है, तो पॉइंट का तो कोऑर्डिनेट्स होता है ना, M2 के कोऑर्डिनेट्स होंगे X2, Y2, Z2, M3 के कोऑर्डिनेट्स होंगे X3, Y3, Z3, समझा? Yes। तो ऐसे yes। सपोज इस बॉडी में ना टोटल n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं इस बॉडी के अंदर, तो लास्ट जो पार्टिकल होगा ना उसका कोऑर्डिनेट्स होगा Xn, Yn, Zn, Zn, समझा क्या, सिंपल है। हाँ अब देखो ये जो सारे पार्टिकल्स हैं, लेकिन अभी मुझे क्या करना है, मुझे सेंटर ऑफ मास ढूंढना है। सेंटर ऑफ मास मैंने बताया था कि छोटी सी पॉइंट होती है सेंटर ऑफ मास, एक्चुअली सपोज ये सेंटर ऑफ मास है, देखो सेंटर ऑफ मास कोई मास नहीं होता है, सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट होती है, तो ये पॉइंट है। तो आपको क्या लगता है, सेंटर ऑफ मास के भी कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे क्या, एक्स वाई जेड? यस यस यस, कोऑर्डिनेट ये हैं xcm ycm zcm, दीज आर द थ्री कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अब अगर तुमको सेंटर ऑफ मास को ढूंढना है, यू वांट टू लोकेट दैट वेयर इज द सेंटर ऑफ मास, लोकेट करना है ढूंढना है, इसका मतलब है आपको ये तीन कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने पड़ेंगे। टेल मी, अगर मैं किसी पॉइंट के तीनों कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लूं, मतलब वो पॉइंट मिल जाएगी ना मुझे कहां पे, यस यस, तो मुझे बस ये तीनों कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। अब देखो पहले हम लोग फाइंड करेंगे ये चीज, इट इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ व्हाट, सेंटर ऑफ मास, ठीक है। इसकी एक डायरेक्ट फार्मूला है, प्रूफ नहीं है, प्रूफ किया जा सकता है लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है और आपको कॉम्प्लिकेटेड ही लगेगा। सीधा एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, नोवेयर यू विल गेट अ प्रूफ ऑफ दिस, ठीक है। इसकी सीधा एक फॉर्मूला बता रहा हूं मैं, फॉर्मूला ये है एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू प्लस एम थ्री एक्स थ्री अप टू द लास्ट पार्टिकल। लास्ट पार्टिकल कौन सा था, एम एन एक्सएन। मतलब करना क्या है, मास ऑफ द पार्टिकल लेना है और उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है उस पार्टिकल का वो मल्टीप्लाई करना है। Is it mass into x coordinate ना? mx? Yes. ऐसे सारे particles के लिए करना है, 1 से लेके n तक, divided by this one, m1 plus m2 plus m3 up to mn. मतलब नीचे देखो खाली masses को plus करना है, ऊपर mass into x coordinate की जो product है उसको plus करना है, बराबर? Yes. Yes. This is a formula to calculate the x coordinate of center of mass. सिमिलरली अगर आपको y कोऑर्डिनेट चाहिए तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगी, सोच सकते हैं m1
और वैसे ही z कोऑर्डिनेट की भी फॉर्मूला है. विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूलास वी कैन फाइंड आउट द x y z कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ डिसकंटीन्यूअस बॉडी. समझा क्या? कोऑर्डिनेट की फॉर्मूला लिखी है आपको, y और z की लिखनी है तो लिख लो और ये डायग्राम भी बना लो चलिए तो. और ये डिसकंटीन्यूअस बॉडी के लिए है. सर कंटीन्यूअस बॉडी का सेंटर ऑफ मास किधर रहेगा? अभी करता हूं ना, अभी डिसकंटीन्यूअस होने के बाद. यस यस आपको ये नोट करना तो कर लो पहले. Yes, sir. Yeah. The x y z coordinate of center of mass हमने discuss कर लिया. discontinuous body का मैं इसका example दूंगा कौन सी होती है discontinuous. अभी लेकिन पहले continuous पे जा रहे हैं, ठीक है? continuous bodies क्या होती है अभी ध्यान से देखो. start here continuous bodies. देखो एक example ले रहा हूँ. suppose एक rod है, rod ऐसे मतलब अगर थ्री डायमेंशनली बनाओ तो देखो मैं ऐसे बना सकता हूँ, दिख रहा है? ऐसा रॉड है, एल लेंथ है और इसका मास सपोज एम है, ये बॉडी है, ठीक है? इसमें एक बात, ये बॉडी में अगर तुम ऐसे सपोज यहाँ पे सपोज कुछ पार्टिकल लिया, इधर इधर पार्टिकल लिया, उसके बाद इधर भी आपको पार्टिकल मिलेगा, फिर इधर भी मिलेगा, फिर इधर भी मिलेगा, ऐसे कंटिन्यूसली एक के पीछे एक पार्टिकल मिलेंगे ना, कि बीच में गैप्स होती हैं एक्चुअली. अगर आप एक्चुअली में रियल रॉड लेंगे तो एक के पीछे एक मिलेंगे, ठीक है? इसका एक एग्जांपल देता हूं, ये इसका एग्जांपल है, ये स्केल. और देखो इधर पार्टिकल है, उसके बाद कंटिन्यूसली ऐसे पार्टिकल मिलते जाएंगे ना इधर पूरे. यस इट इज लाइक अ कंटीन्यूअस पार्टिकल. सपोज यहां पे मैंने, यहां पर मैंने ओरिजिन ले लिया, ओरिजिन है रिद्धि पावशे, क्या कर रही हो रिद्धि पावशे? हाँ ये ओरिजिन इधर मैंने ले लिया एक्स, यहाँ पे फिर यहाँ पे अगर कोई पॉइंट होगा ना उसके लिए एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल एल होगा, क्योंकि ये एल डिस्टेंस है ना. तो एक बात है, इधर एक्स इक्वल जीरो से लेके एक्स इक्वल एल वाली जो पॉइंट है वहां के बीच में पूरे पार्टिकल मिलते रहेंगे मुझे. यस यस ये कंटीन्यूअस बॉडी है. दिस इज कंटीन्यूअस, मतलब पार्टिकल एक कंटिन्यूटी में मिलते जाएंगे एक के पीछे एक. एक्स इक्वल टू जीरो जो है ना उससे पहले भी कोई पार्टिकल नहीं है और एक्स इक्वल एल के बाद भी कोई पार्टिकल नहीं है, लेकिन बीच में पूरे पार्टिकल मिलेंगे. yes. ये होती है कंटिन्यूस बॉडी, ठीक है? अब एक बात, नॉर्मली हमारे आसपास जो बॉडीज होती है वो कंटिन्यूस होती है कि डिसकंटिन्यूस ज्यादा होती है, क्या लगता है? कंटिन्यूस होती है बेटा. डिसकंटिन्यूस जिसने बोला डिसकंटिन्यूस वो नहीं होती है डिसकंटिन्यूस. कोई बताओ एग्जाम्पल डिसकंटिन्यूस बॉडी का, नहीं होती है. हैमर डिसकंटीन्यूअस बॉडी है सर उसके. नो वो ये सब, ये हैमर है, यहां से लेके यहां तक तुमको सारे पार्टिकल्स मिलेंगे सर. पर डेंसिटी कम ज्यादा रहती है ना, उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन पार्टिकल्स मिलते तो कंटीन्यूअस है ना, एक के पीछे पार्टिकल होते हैं ना. देखो प्रैक्टिकली आप देखोगे ना तो बहुत सारी बॉडीज कंटीन्यूअस ही होती है आपके आसपास, ठीक है? लेकिन अभी कुछ लोगों में डाउट आएगा सर फिर डिसकंटीन्यूअस बॉडी कहां होती है. डिस्कंटिन्यूस बॉडी का एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ, एक ही एग्जाम्पल है मेरे पास, वो है मॉलिक्यूल्स. केमिस्ट्री में आप जो मॉलिक्यूल्स पढ़ते हो ना, यू नो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, H2O मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स आर नथिंग बट डिस्कंटिन्यूस बॉडी. देखो कैसे, सपोज मैं H2O मॉलिक्यूल लेता हूँ, H2O में क्या होता है, यहाँ पे देखो ये ऑक्सीजन है, इधर एक हाइड्रोजन होता है. अभी मुझे मालूम नहीं आपने ये सब पढ़ा है कि नहीं, लेकिन H2O ऐसे दिखता है एक्चुअली. yeah. yeah.
इसमें पता ये हाइड्रोजन एटम है, मतलब यहाँ पे कुछ मास है, देखो फिर यहाँ पे ऑक्सीजन एटम है, इसको भी कुछ मास होगा, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में तो गैप है ना। Yes. 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 उसमें तो बॉन्ड होता है, बॉन्ड एक्चुअली में मास थोड़ी होता है, बॉन्ड में कुछ मास नहीं होता है, बॉन्ड इज जस्ट इमेजिनरी थिंग, तो यहाँ पर मार्टिकल है, ये देखो, तो एक पार्टिकल है, फिर गैप है, फिर दूसरा पार्टिकल है, फिर गैप है, फिर तीसरा पार्टिकल है, ये देखो, इट्स लाइक अ डिसकंटीन्यूअस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, समझा? चलो, सो आई थिंक वी वर डिस्कसिंग दिस वन, कंटीन्यूअस बॉडीज ना। Now we have to locate the center of mass of continuous bodies. ठीक है? अब continuous bodies का कैसे मिलता है? ध्यान से देखो. Suppose ये continuous body है, हाँ? सबसे पहले हम क्या करेंगे? Assume करेंगे कि जो ये पूरा continuous body है ना, उसको हम छोटे-छोटे parts में divide करेंगे, छोटे-छोटे pieces में. ये देखो. जितना छोटे-छोटे pieces ले सकते हो लेंगे. दिख रहा है? Assuming कि जो पूरा बॉडी है ना उसको हमने छोटे 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 पीसेस में कट कर दिया। एक बात बताओ, दुनिया में कोई भी बॉडी है, सपोज कोई भी बॉडी ले लो, उसको ऐसे अज्यूम कर सकते हैं कि नाइफ से लेके मैंने उसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर दिया बॉडी को? यस यस, ठीक है, ऐसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर दिया, ठीक है। अब ये जो सारे पीसेस हैं वो एक दूसरे के साथ आइडेंटिकल हैं, मतलब एक पीस का जितना थिकनेस है दूसरे पीस की थिकनेस भी उतनी है, ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि मतलब ये हो ही नहीं सकता है ऐसा? बोलो, हो सकते हैं, हो सकते हैं। तो मतलब ये सारे एलिमेंट्स आइडेंटिकल हैं, ये जो सारे छोटे छोटे पीसेस हैं वो आइडेंटिकल हैं। अब इसमें से आप एक कोई भी पीस ले लो, ये देखो तो ये पीस ले लिया मैंने, दिख रहा है? इस एक पीस को हम लोग ये बोलते हैं फिजिक्स में, एलिमेंट। और कैन आई से, ऐसे मैं मान सकता हूँ कि जो पूरी बॉडी है वो इस एलिमेंट्स के कलेक्शन से ही बनी हुई है ना? यस यस। जैसे आप बायोलॉजी में नहीं पढ़ते हो, ह्यूमन बॉडी इज मेड बाय कलेक्शन ऑफ सेल्स, बॉडी सेल्स से बनी हुई है। यस यस, वो रॉन्ग नहीं है, राइट है। वैसे ही ये बॉडी भी हम लोग ऐसे मान सकते हैं कि इन एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बनी हुई है, ऐसे एलिमेंट्स, ठीक है। तो चलो ये एक एलिमेंट ले लिया, इस एलिमेंट का मास हम लोग लेंगे डीएम, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर एम क्यों नहीं ले रहे हो, डीएम क्यों ले रहे हैं? देखो फिजिक्स में अगर आप किसी मास के आगे डी लगा रहे हो ना, इसका मतलब ये बहुत ही छोटा मास है, बहुत ही छोटे मास के आगे डी लगाया जाएगा, बहुत ही छोटे डिस्टेंस के आगे भी डी लगाया जाता है, लेट्स से dx, बहुत ही छोटे टाइम के आगे भी हम लोग डी लगाते हैं, dt, अपने डेरिवेटिव में सीखा है वो चीजें, dx by dt, yes, yes, d का मतलब, d का मतलब ये बहुत ही छोटा मास है, very small, ठीक है, okay, अब हम क्या करेंगे, हमको वो ढूंढना है, सेंटर ऑफ मास ढूंढना है, बराबर? तो रूल क्या है कि आप कहीं पे ओरिजिन फिक्स करो, सपोज ये देखो यहाँ पे मैंने ओरिजिन फिक्स किया, ये ओरिजिन है, तो ये जो डीएम एलिमेंट लिया आपने, डीएम एलिमेंट वो ओरिजिन से कुछ डिस्टेंस पर है ना? यस। कितने डिस्टेंस पर है? एक्स। एक्स। हाँ, तो एक्चुअली में अगर ये ओरिजिन से एक्स डिस्टेंस पर है ना, इसका मतलब है इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी एक्स ही हुआ ना फिर तो? यस। यस। सपोज इसका एक्स कोऑर्डिनेट ये एक्स है एक्चुअली, तो एक काम करो इसका मास ले लो, ये एलिमेंट का मास लिया डीएम, और इसका x कोऑर्डिनेट इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो dmx। अब आप बोलेंगे सर ये क्या किया एक्चुअली, ये मैंने वो किया है m1 x1 plus m2 x2 plus m3 yes. x3 yes. तो उसमें क्या होता है m into x लेते हो ना, वही है, लेकिन ये सिर्फ एक एलिमेंट के लिए लेना चाहिए कि फर्स्ट से लेके n तक सारे एलिमेंट्स लेने चाहिए, क्या लगता है? सारे एलिमेंट्स तक, एंड तक, आपको मालूम है एक्चुअली में ये फॉर्मूला है ना? यस यस, सारे एलिमेंट लेने चाहिए ना, उसके लिए हम लोग ये करते हैं, देखो इंटीग्रेशन का मतलब वही होता है समेशन ऑफ ऑल टर्म्स, इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय, एक बार डिनोमिनेटर में क्या था फॉर्मूला में, अरे डिनोमिनेटर में था मास, मतलब खाली मासेस को प्लस करना है कि मास इनटू एक्स कोऑर्डिनेट को प्लस करना है? नहीं, सिर्फ मास, सिर्फ मास, ओनली इस एलिमेंट का मास क्या है? डीएम है, डीएम, सारे एलिमेंट्स का मास भी डीएम है, इट्स लाइक डीएम प्लस डीएम प्लस डीएम प्लस डीएम, हाँ वो एम ही बनेगा, लेकिन हम लोग लिखेंगे ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ, लिखने में ऐसा आएगा, ऐसे करके आपको एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा, कुछ नई चीज नहीं है बेटा, वही है, खाली इंटीग्रेशन के टर्म्स में लिखना है, प्लस में नहीं लिखना है, इंटीग्रेशन के टर्म्स में। दिस इज अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एक्स कोऑर्डिनेट, इवन सेम वे यू कैन फाइंड वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इन केस ऑफ अ कंटीन्यूअस बॉडीज, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर ये इंटीग्रेशन आपने लिख तो दिया, सॉल्व थोड़ी किया इंटीग्रेशन, खाली से लिखा है,
सॉल्व किया क्या मैंने इंडिकेशन के नहीं नो नो तो इसको सॉल्व करेंगे तभी जब हम लोग कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल लेंगे न्यूमेरिकल लेंगे इसके ऊपर तो मैं इंडिकेशन भी सॉल्व करके दिखा सकता हूं कैसे होती है तो शैल वी सॉल्व वन न्यूमेरिकल ऑन दिस इंटीग्रेशन पार्ट यस इस पे मैं एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाता हूं आपको यहां तक नोट करना है तो कर लो पहले क्लियर अब देखो इसके ऊपर एक एग्जांपल करते हैं ये देखो क्वेश्चन लिखो आप लोगों में बता रहा हूं क्वेश्चन लिखो Find the center of mass of a uniform thin rod. Find the center of mass of a uniform thin rod. Question likha sabne? Yes. हाँ तो diagram देखो screen पे. स्टूडेंट ये सपोज एक रॉड है एक्चुअली टू डायमेंशनली बनाया मैंने अगर थ्री डायमेंशनली तो रॉड ऐसे दिखेगी फिर ये दिख रहा है ये रॉड है लेकिन अभी हम लोग इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे सिंपल बनाएंगे ये है टू डायमेंशनल डायग्राम सिंपल डायग्राम सपोज ये एक रॉड है इस रॉड का जो मास है वो एम है और इस रॉड की जो लेंथ है ना लेंथ ऑफ रॉड है लेंथ इसकी एल है इसका सेंटर ऑफ मास मुझे ढूंढना है अगर आप अपना थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आप समझ जाओगे जैसे अरे टायर के लिए सेंटर ऑफ मास कहाँ पे था टायर का सेंटर ऑफ मास एकदम सेंटर ऐसे रॉड वैसे नॉर्मली बाकी ऑब्जेक्ट्स के साथ भी होता है ये रॉड है ना रॉड का जो ये सेंटर है दिख रहा है ये रॉड का सेंटर है मिड पॉइंट है रॉड की तो यही इसका सेंटर ऑफ मास एक्चुअली में यही है हाँ लेकिन हम लोग इसको मैथमेटिकली फाइंड करेंगे कि सच में यहाँ पे है कि नहीं तो कोई बता सकता है मुझे जो सेंटर ऑफ मास है वो वन एंड पॉइंट से कितने डिस्टेंस पर होगा फ्रॉम एंड पॉइंट L by 2 देखो ये जो ये एंड पॉइंट है ना यहाँ से आप बोल रहे हो L by 2 डिस्टेंस पर होगा ये भी मैं प्रूफ करूंगा मैथमेटिकली कि सच में L by 2 डिस्टेंस पर वो है एक काम करेंगे ये जो पॉइंट है ना इसको मैं ओरिजिन ले लेता हूँ ठीक दिस इज अ ओरिजिन x इक्वल टू 0 लिख दिया है मैंने फिर आप ऐसे जाओ ये x एक्सिस ड्रॉ करेंगे ये x एक्सिस है ठीक है अब मुझे ये सेंटर ऑफ मास एक्चुअली में ढूंढना है मुझे नहीं मालूम है कहाँ पर है आई वांट टू सर्च इट आपको प्रोसीजर याद है क्या किया जाता है पहला मुझे क्या करना चाहिए इंटीग्रेशन वाला जो पहला क्या करना चाहिए सबसे पहले एलिमेंट पूरे रॉड को चॉप करना चाहिए ना छोटे छोटे अज्यूम करो मैंने पूरे रॉड को छोटे छोटे पीसेस में काट दिया यहाँ पर मैं एक पीस ले रहा हूँ ये देखो कहीं पे भी ले सकते हो ये मेरी मर्जी है मैंने इधर ले लिया ले सकता हूँ ना इधर भी एक पीस होगा ना छोटा सा yes. सपोज इसका मास है डीएम ठीक है और ऐसे ही सारे पीसेस का मास डीएम है क्योंकि ये यूनिफॉर्म रॉड है यूनिफॉर्म मतलब हर जगह ये एक जैसी है रॉड हर जगह वो पीसेस जो बनेंगे मासेस सेम होंगे सारे पीसेस के ठीक है अच्छा इसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम द ओरिजिन ये डिस्टेंस हुआ ना सपोज एक्स है ठीक है तो आपको फॉर्मूला याद होगी शायद व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास एक्सीएम इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन डीएम अपॉन डीएम इंटीग्रेशन ऑफ डीएम ऐसा था शायद यस अब देखो होता ये है कि ये इंटीग्रेशन जो है ना अपने मैथ्स में सीखा है क्या इंटीग्रेशन बताया था ना एक बार ये जरूरी है ये इंडिकेशन एटलीस्ट ध्यान में रखो लेकिन अभी देखो इसमें यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे डीएक्स है एक्स के साथ डीएक्स होना चाहिए तभी इंटीग्रेशन पॉसिबल है अगर x के साथ dm लगा हुआ है ना वो नहीं होती है इंटीग्रेशन एक्चुअली तो यहाँ पे देखो x के साथ क्या लगा हुआ है
डीएम नहीं, मुझे इधर डीएक्स चाहिए, बराबर, तभी इंटीग्रेशन हो सकता है सच में. yes. मेरा टारगेट क्या है, मुझे ये डीएम हटा के क्या लाना है यहाँ पे, डीएक्स. या तो फिर ऐसे भी कर सकते हैं, ये एक्स को हटा के यहाँ पे एम लेके आओ, एम को डीएम चलेगा, एम डीएम साथ में चलेंगे, या फिर एक्स डीएक्स साथ में चलेंगे. लेकिन डीएम और एक्स, इधर एक एक्स है और एक डीएम है, ये साथ में नहीं चलेगा. लेट्स चेंज इट नाउ. कैसे करेंगे ध्यान से देखो, ये देखो ओरिजिन से यहाँ तक जो डिस्टेंस है, ओरिजिन से यहाँ देखो आपने डिस्टेंस कितना लिया है, एक्स लिया है. एक्स. उसके बाद ये देखो, ये जो आपका छोटा सा एलिमेंट है ना, ये इसका मास है डीएम, लेकिन इसकी जो लेंथ है ना, इस एलिमेंट की जो लेंथ है, लेंथ भी बहुत छोटी होगी एलिमेंट की, इतनी होगी देखो. इसकी जो लेंथ है ना वो डीएक्स है, इधर दिखा है. इसकी लेंथ कितनी है, डीएक्स. ठीक है, तो व्हाट इज द मास ऑफ दिस एलिमेंट, डीएम. व्हाट्स द लेंथ ऑफ दिस एलिमेंट और साइज ऑफ दिस एलिमेंट, डीएक्स. से डिवाइड किया. ये इज इट मास ऑफ द एलिमेंट, ये यहां पे देखो ध्यान से, इज इट मास ऑफ द एलिमेंट डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ दिस एलिमेंट ना. यस यस. कल मैंने इसी चीज को लैम्ब्डा से डिनोट किया था, चेन वाले प्रॉब्लम में. याद है लैम्ब्डा वाज अ मास पर यूनिट लेंथ. यूनिट लेंथ. यस. देखो जब भी यहां पे स्क्रीन पे देखो, जब भी आप किसी चीज का मास लोगे, डीएम किसी का मास है, डिवाइड बाय उसी के लेंथ से डिवाइड कर दोगे, मास अपॉन लेंथ करोगे तो आपको मास पर यूनिट लेंथ मिल जाएगा. मास तो ये एक्चुअली लैम्ब्डा है, मास पर यूनिट लेंथ. ठीक है. अब आप बोले सर ये लैम्ब्डा कैसे हुआ, एक इस तरीके से भी आप लैम्ब्डा निकाल सकते हो. दूसरा तरीका भी बताता हूँ लैम्ब्डा निकालने का. ये देखो, अगर ये मैं m ले लूँ, ये m किसका मास है, पूरे रॉड का मास है. ठीक है, डिवाइडेड बाई l. l क्या है, पूरे रॉड की लेंथ है. ये देखो, ये भी मास डिवाइड बाई लेंथ हुआ ना. yes. ये भी लैम्ब्डा है, ऐसा नहीं है कि वही लैम्ब्डा हुआ, ये भी लैम्ब्डा है, वो भी लैम्ब्डा है. किसी भी तरीके से निकालो, लैम्ब्डा सेम ही आएगा. ठीक है, वी आर कैलकुलेटिंग मास पर लेंथ, तो मास पर लेंथ आप किसी भी तरीके से निकालो, एक ही आएगा वो. ये दोनों समझी क्या? तो इसमें से देखो, डीएम को क्या लिख सकते हैं, डीएम को मैं लिख सकता हूँ लैम्ब्डा इंटू डीएक्स. डीएम है ना, इसको मैं ये लिख रहा हूँ. देखो डीएम को क्या लिखा, लैम्ब्डा इंटू डीएक्स. साथ में ये भी है क्या, डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डीएम. डीएम को क्या लिखेंगे, लैम्ब्डा इंटू डीएक्स. अब देखो लैम्ब्डा कांस्टेंट होता है एक्चुअली. लैम्ब्डा क्या है, लैम्ब्डा इज अ मास पर यूनिट लेंथ, मास ऑफ 1 मीटर रॉड है वो. लैम्ब्डा कांस्टेंट होता है, लैम्ब्डा इंटीग्रेशन से बाहर आएगा, और इंटीग्रेशन से बाहर आने के बाद लैम्ब्डा कट हो जाएगा. समझा क्या? यस. न्यूमरेटर में ऐसा है x dx है इंटीग्रेशन का, डिनोमिनेटर में सिर्फ क्या है, dx. dx. ठीक है, अब जो इंटीग्रेशन में वीक है ध्यान से देखो, इधर x के ऊपर कोई भी पावर नहीं है, मतलब x रेस्ट टू 1 है, और नीचे x है ही नहीं, नीचे तो देखो खाली dx है, x तो है ही नहीं, मतलब x रेस्ट टू 0 है. अब एक बात है, ये जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, इज इट सिमिलर टू x रेस्ट टू n dx फार्मूला ना, x रेस्ट टू n की जैसे ही ना. यस. न्यूमरेटर के लिए, न्यूमरेटर के लिए n कितना है, 1 है, डिनोमिनेटर के लिए n कितना है, 0 है. 0. आपको ये फार्मूला मालूम है बराबर, x रेस्ट टू n + 1 / n + 1. n + 1. इधर होगा x रेस्ट 1 प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर अपॉन 2. और डिनोमिनेटर में क्या होगा, डिनोमिनेटर में होगा x रेस्ट 0 प्लस 1 0 प्लस 1. बहुत सिंपली मैंने एक एक स्टेप करके लिखा है, इससे सिंपल नहीं कर सकते इसको. न्यूमरेटर में देखो x स्क्वायर है, न्यूमरेटर में डिवाइड बाय 2, और डिनोमिनेटर में देखो x रेस्ट 1 है जस्ट, बराबर. समझा यहाँ तक? Yes. Yes. इंटीग्रेशन खत्म हो चुका है, x square divided by x is to 1 है. सॉल्व करो तो आई थिंक ये x square और divided by x कितना हो जाएगा? x square divided by x by 2. और लेकिन लास्ट एक चीज है, लिमिट्स डालनी होती है. लिमिट्स यार इंटीग्रेशन की लिमिट्स भी होती है ना, अपर लिमिट लोअर लिमिट. Yes. Yes. आपने जो इंटीग्रेशन है ना, इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में किया है, मतलब इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x है. देखो सारे टर्म्स जो आपके ना वो x के टर्म्स में है, तो लिमिट्स जो है ना, लिमिट्स भी x की डालनी होगी. देखो x की लिमिट्स मैं समझा देता हूँ, ये x है ना. एक बार बताओ, आपने ये एलिमेंट लिया, इधर एक एलिमेंट लिया था, इधर अगर मैं एलिमेंट इधर लेता इधर, तो x छोटा हो जाता, इतना हो जाता. यस. यस. एलिमेंट इधर लेता, इधर भी एलिमेंट होगा, तो x और छोटा हो जाता. q
क्या एक बार बताओ, इधर भी एलिमेंट हो सकता है, इधर भी एक एलिमेंट होगा क्या? यस यस। ये एलिमेंट के लिए एक्स कितना बन जाएगा? जीरो 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 अप्रॉक्स जीरो ही हो जाएगा बराबर। और अगर इधर एक एलिमेंट लोगे, इधर इधर भी एलिमेंट होगा, एक्स इतना हो जाएगा, एल एल हो जाएगा, समझ रहे? तो एक्स की लिमिट से ना, एक्स की लिमिट इतनी है, जीरो टू एल, जीरो टू एल, मतलब x जो है वो चेंज होगा 0 से लेके l तक। आपको मालूम है लिमिट्स कैसे डालते हैं? अपर लिमिट पहले डालते हैं, अपर लिमिट माइनस माइनस लोअर लिमिट, लोअर पहले अपर लिमिट डालेंगे। x की जगह क्या डालूंगा मैं? l डालूंगा, l l/2 - 0/2। तो कितना है आंसर? l/2। मतलब x कोऑर्डिनेट और सेंटर ऑफ मास तुम निकाल रहे हो ना, ये चीज निकाल रहे हो ना तुम, कितना है ये कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास? l/2। का मतलब है, इसका मतलब है कि जो ये सेंटर ऑफ मास है ना, सपोज ये सेंटर ऑफ मास है, वो ओरिजिन से l/2 डिस्टेंस पर है ना? यस। कहां पे हुआ? एकदम मिडिल पॉइंट पे हुआ ना, मिड पॉइंट। देखो मैथमेटिकली प्रूफ हो गया ये, समझा क्या? यस यस। जो आप जो थोड़े डर रहे थे ना कि इंटीग्रेशन नहीं आता है सर, मैंने इसलिए प्रैक्टिकल एग्जांपल करा दिया इंटीग्रेशन पे। चाहिए तो ये नोट कर लो, आपका सॉल्यूशन है। और लैम्बडा के लिए लिख देना लेफ्ट साइड में, लैम्बडा इज अ मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है? लिख लो उसका नेम। फिनिश दिस। सर वो स्टेटमेंट फिर से रिपीट करो ना। कौन सा स्टेटमेंट? क्वेश्चन क्या? सर ने अभी जो बोला लैम्बडा इज इक्वल टू, लैम्बडा के लिए ये फॉर्मूला सब लिखोगे साइड में, लैम्बडा जब ये फॉर्मूला लिख रहा हो ना, ये वाले, इसके साइड में आप लिखना कि लैम्बडा इज अ मास पर यूनिट लेंथ। थैंक यू सर। देखो आपने लिख तो दिया ये लैम्बडा मास पर यूनिट लेंथ, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, तुम क्वेश्चन तभी सॉल्व कर पाओगे जब तुमको लैम्बडा का मतलब मालूम होगा। भले नाम नहीं मालूम हो, लेकिन मतलब मालूम होना चाहिए। लैम्बडा क्या पता है? लैम्बडा इज अ मास ऑफ एवरी 1 मीटर ऑफ रॉड। हर 1 मीटर का जो मास है वो क्या है? लैम्बडा है। समझा सबको ये क्वेश्चन? यस यस यस। फिजिक्स में और कौन सा चैप्टर चल रहा है आपका? दूसरा बाय सम अदर टीचर, मानसी मैडम या कोई और टीचर, सुधीर सर, कोई चैप्टर चल रहा है क्या? सेमीकंडक्टर चालू होने वाला है। सेमीकंडक्टर चालू होने वाला है? यस यस। सुधीर सर लेंगे शायद? नो, मानसी मैम देंगी। ओके, और अभी कौन सा चल रहा है मानसी मैम का? ऑप्टिक्स हो गया खत्म। रे ऑप्टिक्स, अच्छा वो लेंसेस मिरर वो वाला? यस यस। हो गया, कंप्लीट हो गया ना लेंस मिरर ये सब? यस। सेमीकंडक्टर चलने वाले? ठीक है चलेगा। अच्छा आपने आप बोला था टेस्ट देने के लिए क्लास में आए थे आप लोग, बराबर ऐसे कुछ? यस यस यस। तो कोई ऐसा ऑफलाइन लेक्चर हुआ है क्या क्लास के अंदर? नो। ठीक है, कभी कुछ बोला सर ने कभी होगा या कुछ? नो आइडिया। कब से स्टार्ट कर रहे हैं, सब कुछ बताया क्या? नो नो। ठीक है ये ऑफलाइन ही, ऑनलाइन ही अच्छा लग रहा है कि ऑफलाइन सही है? एक्चुअली आई थिंक ऑफलाइन सही ना? यस। अच्छा कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन? यस यस। ठीक है, अब मैं वो आगे जाने से पहले थोड़ा टॉपिक बाकी है, लेकिन मैं वो थोड़े से क्वेश्चंस बच्चों से पूछ लेता हूँ जो मुझे पूछने हैं। मैंने कल कहा था थोड़ा पढ़ के आओ स्टूडेंट्स, तो आई एम श्योर आप पढ़ के आए होंगे। मैं भी जिस स्टूडेंट का नाम लूंगा और जो क्वेश्चन पूछूंगा वही स्टूडेंट आंसर देगा।